वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े चार आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के अलग अलग स्थानों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले तीन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर से यहां पर चार आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और उनकी अलर्टनेस के बाद इन आतंकियों की गिरफ्तारी यही बताती है कि जो यहां पर मामले में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कितनी ज्यादा एक्शन मोड में है और कितनी ज्यादा सतर्क है। बता दें कि यूपी एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, आपसे जानना चाहूंगी, आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से चार आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, ये जानकारी मिली है, क्या कुछ मामले को लेकर आगे जानकारी थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कि बीते दिनों दो आतंकियों को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन दोनों से गहन पूछताछ हुई और ऐसे में इनसे पूछताछ के बाद चार अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हुए चार आतंकी हैं। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से इन चारों लोग को गिरफ्तार किया है। आपको हैरत होगी ये बात जान करके कि ये सब एएमयू से ही बीटेक व एमटेक के छात्र हैं, बीएससी के छात्र हैं, बीए ऑनर्स, ये तमाम पढ़ाई इन चारों के द्वारा की गई है। चारों में जो बताया जा रहा है कि पहला जो आतंकी है उसका नाम रकीब इमाम है, नावेद सिद्दीकी, मोहम्मद दुमान और मोहम्मद नाजिम, इन चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी खास तौर से आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। हिंसात्मक आतंकी जिहाद कर देश की चुनी गई सरकार को पलटकर शरिया कानून लागू करने के लिए आईएसआईएस के आतंकी साहित्य को अपनी जैसे मानसिकता वालों में वितरित कर उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ने का काम कर रहे थे और इस कार्य में वो गोपनीय तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और छुप कर गोपनीय ठिकानों पर लोगों को आतंकी जिहाद के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर पहुंची कैसे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो बीते दिनों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक और वजीरुद्दीन, इन तीन की जो गिरफ्तारी हुई थी यूपी एटीएस से की तरफ से, इनसे ही बातचीत में इन चारों के बारे में जानकारी मिली। और गौरतलब है कि एसएएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का यूनियन है, ये उनकी बैठक में जाते थे और इसके बारे में जब जानकारी मिली है इन तीनों आतंकियों की तरफ से, जिसके बाद साकिब नामे सिद्दीकी और मोहम्मद दुमान और मोहम्मद नाजिम, जिसके बाद इन चारों लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार। चलिए ठीक है, शुभम बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर एसपी नेता पूजा शुक्ला गिरफ्तार कर ली गई है। महिला कर्मचारियों के समर्थन